हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पिंकी कोसी किचन में। आज हम आलू और पालक की सब्जी बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी सी सब्जी बनाएंगे और बगैर प्याज और लहसुन के बनाएंगे। यूं तो सभी को आलू पालक सब्जी बनानी आती है, लेकिन आज हम थोड़े डिफरेंट से तरीके से बनाएंगे। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने आलू लिए है, ये हमने देख सकते हो 8 से 7 आलू लिए हैं। आप अपनी मन चाहे जितनी भी सब्जी बना रहे हैं उसके हिसाब से आप आलू ले सकते हैं। इनको हम कट करेंगे। और ये हमने पालक ली है, पालक को एक बार अच्छे से धो लिया है मैंने, तो हम कट कर लेते हैं आलू को। ठीक है, आलू को हमें इस तरह से कट कर लेना है, बारीक बारीक नहीं करना बिल्कुल भी। इसके हमें थोड़े मोटे ही पीस रखने हैं, तो हमें इस तरह के आलू काट कर तैयार करने हैं। इसी तरह से हम पालक को काट लेंगे। देखिए, पालक को हमें ज्यादा मोटा नहीं काटना, पालक को हमें बारीक काटना है, नहीं तो जो हम ये सब्जी बनाएंगे उस सब्जी में इतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तो ये देखिए, हमने पालक को काट कर तैयार कर लिया है, अभी इसे हम धो लेते हैं। तो अब हम एक कढ़ाई लेंगे, या आप कोई भी खुले मुख का बर्तन ले सकते हैं, उसको हम गैस पर रखेंगे। आप चाहो नॉन स्टिक ले सकते हो, या फिर आपके पास जो भी है वो भी ले सकते हो। अभी हमें इसे गैस पर रख दिया है। कढ़ाई के गर्म होने पर इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच तेल। तेल कोई भी डाल सकते हैं आप, जो आप खाते हैं। इस सब्जी में कोई भी तेल डाले उसका ही स्वाद अच्छा आता है, इसमें कोई ये नहीं है कि ये तेल डालना जरूरी है। अभी तेल गर्म होने पर इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच साबुत धनिया, जो कि धनिया सीड्स बोलते हैं। इसको हम हाथों पर ऐसे क्रश करके डालेंगे। जी हाँ, इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इस सब्जी के अंदर। आप भी इस तरह से एक बार जरूर से बनाइएगा। धनिया को हल्का सा लाल होने पर इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच जीरा। जीरे को भी अच्छे से लाल होने देंगे। अब दोनों चीजों को बहुत ही अच्छे से लाल होने पर हम इसमें 2 सूखी लाल मिर्च डालेंगे। लाल मिर्च को आप स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि हम इसे बगैर प्याज लहसुन के बना रहे हैं, तो थोड़ा सा टेस्ट बढ़ाने के लिए हमने अदरक को डाल दिया है। अब इनको एक बार मिला लेते हैं। मिलाने के बाद इस स्टेज पर हम डालेंगे इसमें ये हमने आलू लिए हैं, जो आलू को एक बार मसाले के साथ मिक्स करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। मसाले में हम नमक डाल देंगे, नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे। 1/2 चम्मच डाल देंगे हल्दी पाउडर। अब सब चीजों को मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसमें और कुछ मसाले नहीं डालेंगे, क्योंकि इसमें हम पानी नहीं डालेंगे। बगैर पानी के आज हम इस सब्जी को बनाने वाले हैं। तो पहले हम इन आलू को थोड़ा सा पकाएंगे। अभी हम इनको ढक कर रख देते हैं, इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए ऐसे ही पका लेंगे ढककर। गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है, मीडियम गैस के फ्लेम पर ही से हमें पकाना है। 2 से 3 मिनट के बीच में हमें चेक करना है, इसे ऐसे इस तरह से चलाते रहना है ताकि आलू नीचे लगे ना, तो हमें इसी तरह चला लेना है, वापस से ढक देना है। तो अभी 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, अभी हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, आलू हमारे हल्के से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब तो मैंने यहाँ पर 1 टमाटर लिया है, टमाटर को मैंने फाइन चॉप कर लिया है और इसको डाल देंगे। आप चाहो तो आप टमाटर की प्योरी भी डाल सकते हो। तो ये जो पानी निकलेगा टमाटर का, इसमें ये आलू बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो इसको अब हम 3 से 4 मिनट के लिए दोबारा से पका लेंगे। मिक्स करने पर हम इसमें ये पालक डाल देंगे, जो कि मैंने 2-3 बार अच्छे से धो ली है। इसको मिक्स कर लेते हैं। देखिए, पालक के अंदर भी बहुत सारा पानी होता है, इसलिए अगर आपके आलू अच्छे से नहीं पके हैं तो आप टेंशन मत लीजिए, वो इस पालक वाले पानी में अच्छे से पक जाएंगे। पालक के साथ ही मैं डालूंगी इसमें हरी मिर्ची। 2 से 3 हरी मिर्ची को मैंने ऐसे चॉप करके लिया है, और इन सब चीजों को भी मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए, हमने पालक को मिक्स कर लिया है। वापस से इसको हम
दो से तीन मिनट के लिए फिर से पकाएंगे। तीन से चार मिनट बाद हम चेक कर लेंगे। तो ये देखिए पालक ने कितना सारा पानी छोड़ दिया है। तो यही है, पालक में बहुत सारा पानी होता है, ये तभी तो इतनी फायदेमंद होती है। तो अभी आप चाहो तो इसको रसीली भी खा सकते हैं इस तरह की, या फिर आप इसको थोड़ी सी देर के लिए इस तरह से खुला रख लीजिएगा और गैस को थोड़ा सा मीडियम हाई कर दीजिएगा तो इसका पानी सूख जाएगा। तो ये हमारी आलू और पालक की सब्जी बन चुकी है। आलू भी बहुत ही अच्छे से कुक हुए हैं। इसमें हम डालेंगे अभी एक चम्मच गरम मसाला। आप चाहो तो इसमें कोई भी मसाला डाल सकते हैं, जैसे कि मैगी मसाला या फिर कोई और, लेकिन जो टेस्ट इसमें गरम मसाले का आता है वो सबसे अलग आता है। तो आप चाहो तो इसमें मेथी का, सूखी मेथी होती है जो कसूरी मेथी होती है, उसका इसमें तड़का लगा सकते हैं, उसकी भी बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। गरम मसाला डालने के बाद हमने इसको मिक्स कर लिया है और वापस से हम इसको 10 से 15 सेकंड के लिए ढक देंगे। तो ये लीजिए हमारी ये टेस्टी सी सब्जी बनकर तैयार है। आप इस रेसिपी को जरूर से ट्राई कीजिएगा। तो चलिए इसकी हम प्लेट कर लेते हैं। ये हमारी सुपर टेस्टी सब्जी कितनी अच्छी लग रही है, देखने में भी बहुत ही सुंदर और बनाने में भी बहुत ही आसान। तो ये लीजिए फ्रेंड, हमने प्लेट कर ली है, बहुत ही अच्छी टेस्टी सब्जी बनी है और इसे हमने बगैर प्याज और लहसुन के बनाया है। तो आप भी इस रेसिपी को जरूर से ट्राई कीजिएगा। आप इस रेसिपी को चपाती या फिर पराठे या पूरी किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप इस रेसिपी को जरूर से ट्राई कीजिएगा और साथ में मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।